आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी ओजा, जो कि 2017 में आई थी। यह कोरियन मूवी है जो कि एनिमल लवर्स के लिए एक ट्रीट है। इस मूवी के डायरेक्टर व राइटर हैं बॉन्ग जून हो, जिन्होंने डायरेक्ट की है पैरासाइट और ओल्ड बॉय जैसी मूवीज। बॉन्ग जून हो की मूवीज में हमेशा ही एक अलग इम्पैक्ट देखने को मिलता है, चाहे हम बात करें पैरासाइट, चाहे हम बात करें ओल्ड बॉय, चाहे हम बात करें ओजा की। इनकी मूवी सीधे दिमाग को हिट करती हैं। इस मूवी की मेन प्लस पॉइंट्स की बात करें तो वो हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स और स्क्रीन प्ले। इस मूवी की शुरुआत में नेचर सीन्स देखकर मन को काफ़ी सुकून मिलता है। इस मूवी की स्टोरी ओजा और मीजा की है। मीजा ओजा की केयरटेकर है और उसकी बेस्ट फ्रेंड है। मीजा का घर है साउथ कोरिया के माउंटेन्स पर। ओजा एक जेनेटिक मॉडिफाइड सुपर पिग है। मेकर्स ने ओजा के फेस डिज़ाइन के लिए इंस्पिरेशन ली है शीकाओ से। इस मूवी में ओजा को मिरांडा कॉरपोरेशन ने ओनली स्लॉटर करने के लिए ही ब्रीड किया था। उनके लिए ओजा ओनली एक मीट का टुकड़ा या ओनली एक प्रोडक्ट था, जिसको कि उन्होंने ओनली ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए क्रिएट किया था। जबकि ओजा भी एक नॉर्मल पेट की तरह अपनी बेस्ट फ्रेंड मीजो के साथ बहुत खुश थी। इस मूवी में एनिमल्स की फीलिंग को ओजा के जरिए बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है कि जहाँ जानवरों में भी बिल्कुल ह्यूमंस की ही तरह लव एंड इमोशंस होते हैं। जैसे कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है कि कैसे ओजा अपनी जान की परवाह किए बगैर मीजो की जान बचाती है, और दूसरी तरफ वहीं मिरांडा कॉरपोरेशन के स्लॉटर हाउस में जानवरों को किसी प्रोडक्ट की तरह काटा जा रहा था। जैसे ह्यूमंस अपने बच्चों की जान को अपने आप से पहले रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस मूवी में भी एक सुपर पिग अपनी बच्ची की जान बचाता है अपने बच्चे होने के बावजूद भी। डायरेक्टर और राइटर बॉन्ग जून हो ने इस मूवी को रियलिटी के काफ़ी करीब रखा है। मूवी में जो एनिमल लिबरेशन फ्रंट को दिखाया गया है वो कोरिया में सच में एग्जिस्ट करता है, जो कि सच में कैप्चर्ड एनिमल्स को फ्री करवाती हैं, जिसमें कि कई बड़ी कंपनियों को इकोनॉमिकली काफ़ी बड़े नुकसान होते हैं। इस मूवी को स्पेशल बनाने के लिए इसमें आपको चोई वू शिक का कैमियो भी देखने को मिलेगा, जो कि पैरासाइट मूवी में लीड रोल कर चुके हैं और वो डायरेक्टर बॉन्ग जून हो के साथ कई मूवीज व सीरीज में भी काम कर चुके हैं। अंत में चाहे आप वेजिटेरियन हो या आप नॉन वेजिटेरियन हो, ओजा आपकी आंखों में आंसू लाने की ताकत रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ऐसा पूरी दुनिया में बहुत सी जगह हो रहा है। चाहे हम बात करें चिकन्स की, चाहे हम बात करें पिक्स की, चाहे हम बात करें फिशेस की, यह हर जगह हो रहा है। तो यह मूवी हमें मैसेज देना चाहती है, एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स, नॉट अ प्रोडक्ट।